नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे मैच नंबर 49 कोलकाता वर्सेस हैदराबाद, इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। जी हाँ, वीडियो के एंड तक आपको मैं ये तीन बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप कंसिस्टेंटली जीत पाएंगे इस पर्टिकुलर मैच में, इरेस्पेक्टिव कोई भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं कोई भी टीम के साथ। पहले तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के कंडीशंस क्या रहेंगे, कंडीशन स्पेसिफिक आप क्या पिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मैचेस अब जितने भी बचे हैं उनमें आप कैसे प्लान करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच में आपके टॉप पिक्स, डिफरेंशियल पिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस क्या ही बोल सकते हैं, कर ले सब्सक्राइब। ये अच्छी अच्छी बातें हम आपको कहते रहते हैं, बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी ऐसी कोई एनालिसिस अपलोड हो तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो वहां पे एक छोटी अच्छी एक फैमिली टाइप है हमारी टेलीग्राम में फैंटेसी गली की, तो वहां पे आप रहेंगे तो सारे डेट्स टॉस के बाद जो 10 नए टीम कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना वो भी वहां पे मिल जाएंगे। चलिए बहुत हो गई इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, चलिए स्ट्रेट अवे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दुबई के कंडीशंस कैसे रहेंगे। देखिए सीधी सी बात है, जैसा हमने आपको कहा है कि कंडीशंस थोड़े बहुत चेंज होते हुए दिख रहे हैं अभी। एटलीस्ट 160 का पार स्कोर है, ये हमें पता है। टॉप ऑर्डर से रन बन रहे हैं ये भी हमें पता है, लेकिन ये जो इतनी गहरी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है कि बल्लेबाज अब फिर 30-40-50 बनाने के बाद ही इज ऑलरेडी सो सैप्ड कि इतने बड़े रन बन नहीं रहे हैं। You're not seeing scores जो कि consistently 80-90 बने उस हिसाब से। और दूसरी बात, spinners थोड़े बहुत आ रहे हैं गेम में। तो इस मैच में आपको कौन से picks, कितना balanced approach आपका होना चाहिए इस particular मैच में, वो discuss करेंगे। बात कर लेते हैं कि आपकी investment strategy कैसी होनी चाहिए। देखिए जितने matches अभी बचे हैं अब आपको team specific picks करने। अगर यहाँ पे आपको पता है कि मुंबई खेल रही है कोई गेम, कोलकाता खेल रही है, पंजाब खेल रही है, जो टीम्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट टू मेक इट इनटू दैट टॉप फोर, उनके मैचेस जब आप खेल रहे हैं वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडियम रहनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप टीम्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए हैं उनके प्लेयर्स आप पिक कर रहे हैं तो वहां पे आप थोड़ा सा मीडियम टू हाई आपका इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर मैच में देखिए कोलकाता हैदराबाद, कोलकाता क्योंकि खेल रही है वो ट्राई करेंगे यू नो टू गेट इनटू दैट टॉप फोर स्पॉट। हैदराबाद तो अभी रेस से बाहर है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मीडियम ही रखें इस पर्टिकुलर मैच के लिए, लेकिन आगे आपको मौका मिलेगा हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी के साथ स्ट्रेट अवे देख लेते हैं कि आपके टॉपिक्स कौन रहेंगे गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर फिक्चर। सीधी सी बात है, आपको एक ही विकेट कीपर सजेस्ट किया जा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कीपर हमने लिया है अभी जो हमारा सेफ टीम सजेस्ट कर रहा है कि आप रिद्धिमान शाह के साथ जाएं। रिद्धिमान शाह का जो गेम टाइम है वो आपको काफी पॉइंट्स दे सकता है। देखिए चेन्नई के अगेंस्ट 57 पॉइंट्स दिए थे, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स अराउंड 50 देते हैं, पता है इनका गेम कैसा है, राइट राइट एट द टॉप अटैक करते हैं, अगर चल गए 15-20 गेंदों में तो आपको एक अच्छी बढ़त दे सकते हैं स्ट्रेट अवे। बल्लेबाजों के बारे में बात करें तो जेसन रॉय को भूल नहीं सकते हैं। हाँ मैं समझता हूँ लास्ट गेम में फेलियर था, लेकिन इनकी जो अप्रोच है, जो फियरलेस क्रिकेट है, ये इनको एक डेफिनेट पिक बनाती है। देखिए मीडियम टू हाई रिस्क वाले प्लेयर हैं, लो टू मीडियम इनफैक्ट हैं, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। नौ के क्रेडिट के बल्लेबाज हैं, आप इनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। उनके साथ नीतीश राणा रहेंगे, जितना भी टाइम इन्होंने लास्ट गेम में बल्लेबाजी की पंजाब के अगेंस्ट अपने रंग में नजर आए, जो गेंद स्लॉट में थी उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है, बाउंड्री के पॉइंट्स भी आपको देते हैं। बैटिंग पॉइंट्स अराउंड 47 दिया था, तो इस हिसाब से 51 पॉइंट्स दिए थे लास्ट गेम में, इनको तो आप भूल नहीं सकते एटलीस्ट अपने सेफ्टी में। केन विलियमसन के साथ मैं कहूंगा आप परसिस्ट करें क्योंकि अब इनके ऊपर बहुत सब कुछ डिपेंड करता है। शायद ये अब ऐसा हो गया है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ना ले, ये डेफिनेटली थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होके अपने स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, ट्रैप हो गए थे जल्दी लास्ट गेम में, लेकिन सजेस्ट करेंगे कि इनको आप डेफिनेटली परसिस्ट करें, इनसे आपको पॉइंट्स मिलने की आशा तो है। मनीष पांडे नजर आ रहे हैं हमारे सेफ टीम में,
मैं नहीं कंसिडर करूंगा इनको एज अ सेफ ऑप्शन राइट नाउ, लेकिन आपको सिनेरियो सोचने हैं। आपको ये सोचना है कि कोलकाता जो है अगर पावर प्ले में विकेट निकालता है, अगर मिस्ट्री स्पिनर से निकालता है या तो थोड़ी बहुत स्विंग बॉलिंग से निकालता है, तो फिर मनीष पांडे गेम में आ जाते हैं। तो वो सिनेरियोज आपको कंसिडर करने, मेरे लिए मीडियम रिस्क पिक तो डेफिनेटली हो सकते हैं मनीष पांडे। ये आपके बल्लेबाज हो गए। तीन ऑलराउंडर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जेसन होल्डर। जेसन होल्डर के बारे में हमने बार बार बात की है कि देखिए जो नॉक उन्होंने शारजा में खेली थी वो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑल टुगेदर। यहाँ पे उनको जरूरत है कि थोड़ा सा और टाइम वो ले, बल्लेबाजी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, गेंदबाजी में कोई इशू नहीं है। गेंदबाजी जैसे कर रहे हैं, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये आपको पॉइंट्स देते रहेंगे। इनके साथ आप परसेस जरूर करें अपनी सेफ टीम में। तो एटलीस्ट ये रह गए सबके पसंदीदार वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर के बारे में हमने प्रेडिक्शंस बार बार की है, और वो अगर आप हमारे प्रेडिक्शंस देख के खेल रहे हैं, इनको पिक कर रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो आपने अच्छी खासी अपने पॉइंट्स बनाई होंगी लास्ट वीक और सो में। वेंकटेश अय्यर के बारे में बस एक चीज कहूंगा कि अगर इनको फिर से एक फिफ्थ प्रॉपर बॉलर हिसाब के साथ केकेआर लेगी तो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जितना मुझे लगता है केकेआर लाइनअप सोचेगी कि इनको एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन यूज किया जाए, अगर वैसी बात है तो प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। जितने भी दो ओवर या तीन ओवर ये डालेंगे उसमें आपको ये भी पॉइंट दे सकते हैं, और बल्लेबाजी का तो हमें पता भी है, रिवर्स स्वीप्स कर लेते हैं ये। सुनील नारायण के पास उतना एक्सपीरियंस है कि अभी वो कोई भी टीम के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस बैटिंग ऑर्डर में। ऊपर से थोड़े बहुत प्लेयर्स बल्लेबाज ऐसे हैं हैदराबाद के जो थोड़े से अनश्योर हैं अपने गेम के बारे में, अटैक मोड जाएं डिफेंसिव मोड जाएं, वहां पे समवन लाइक सुनील नारायण को खेलना और ट्रिकी हो जाता है। तो मैं कहूंगा इनके ऊपर आप डेफिनेटली बैंक कर सकते हैं। आपके पास तीन बॉलिंग ऑप्शंस यहाँ पे सेफ टीम में दिख रहे हैं। राशिद खान है आपके पास। राशिद खान को मैं समझता हूँ थोड़ा सा मीडियम रिस्क पिक इसलिए है क्योंकि हो सकता है जो कोलकाता का ऊपरी क्रम का बल्लेबाज रहेगा वो शायद इनके चार ओवर खेल के निकालें। इनको 20 रन भी पड़े 25 रन भी पड़े लेकिन इनसे आप इनको आप विकेट मत दो, तो वो अगर एक फिलोसॉफी रहती है तो ये एक मीडियम रिस्क पिक बनते हैं। सिद्धार्थ कौल क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करते हैं और हमें पता है कि कोलकाता जो है डेथ में बहुत सक्सेसफुल है, ये चांसेस लेंगे ही लेंगे। तो दो चीजें हो सकती है, अगर आप सोचते हैं कि केकेआर के जो पावर हिटर्स हैं वो सिद्धार्थ कौल के ऊपर भारी पड़ेंगे तो आप उनको नहीं लेंगे। जिस तरह से मैं और ये हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बता रहा है कि नहीं, सिद्धार्थ कौल के पास वो वेरिएशंस हैं कि वो स्टिक कर सकते हैं अपने लाइन ऑफ लेंथ से, तो आप उनको बैक कर सकते हैं डेफिनेटली। और ऑफ कोर्स आपके पास जो भारतीय टीम का सबसे नया सितारा है वरुण चक्रवर्ती, आप इनको नहीं भूल सकते। इनके चार ओवर्स, सुनील नारायण के चार ओवर्स जितने ही मुश्किल होने वाले, इनफैक्ट उससे ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती थोड़ा और वैरायटी ऐड करते हैं गेंदबाजी में, और उनको आप डेफिनेटली रख सकते हैं। ये हो गए आपके स्किल बेस्ड प्लेयर्स। इससे पहले मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बता दूं, सीधी सीधी बात है। देखो ये जो एनालिसिस मैं आपको देता हूं, कार्तिक जो आपको देते हैं हमारे फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल पे, ये आपको दुनिया भर पे कहीं और नहीं मिलेगी। तो प्लीज हमें प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी एनालिसिस हो आपको वो मिल जाए। अगर प्ले स्टोर से हमारा ऐप आपने डाउनलोड किया है तो फिर टॉस के बाद आपको बहुत ईजी हो जाता है। मैंने ऐप डाउनलोड किया है मेरे फोन पे, जैसे ही टॉस हो जाता है तो 10 नए टीम अपडेटेड कॉम्बिनेशंस होने के बाद मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो मैं तुरंत जाके वहीं से बना लेता हूं। फटाफट चीज है, टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में एक्चुअली। तो बात करते हैं अभी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में। देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मर्स बहुत सारे हैं, आपको पिक करना है कि आप कौन सी कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं और उस हिसाब से आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। देखिए सीधी बात तो मैं बता रहा हूं, आपके पास सुनील नारायण एक अच्छे ऑप्शन है, सुनील नारायण को आप रख सकते हैं, उनको एज अ सेफ टीम में भी आप वाइस कैप्टन रख सकते हैं अगर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी उनको मिली है। वेंकटेश अय्यर डेफिनेट पिक है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ आपको वो पॉइंट्स देने वाले हैं। अगर मैं हैदराबाद से बात करूं तो देखिए मैंने आपको ये तो जरूर कहा है कि राशिद खान थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, लेकिन अगर मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क में टीम बिठा रहे हैं तो देयर इज नो हार्म इन पुटिंग, क्योंकि लास्ट गेम हमने देखा थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उधर भी उन्होंने एक कैमियो खेला, तो हो सकता है आपको उसके भी पॉइंट्स वो दे सकते हैं। हैदराबाद की बल्लेबाजी के बारे में बात करें तो अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो समवन लाइक केन विलियमसन एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं क्योंकि शीट एंकर बन जाएंगे, तो वो उस हिसाब से आपको फिर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये थी इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। मैच नंबर 49 पे पहुंच गए हैं। मैच पर मैच एनालिसिस हम आपको देते रहे हैं। होपफुली आपकी विनिंग्स भी आ रही है। विनिंग्स कैसे आ रही है, कौन से टीम्स आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, आपको कौन से सजेशंस और चाहिए, ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ा बातचीत करें हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, वो सब आप हमें बात कर सकते हैं हमारे YouTube के कमेंट्स में। तो चलिए फिर, अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पर्टिकुलर गेम फ्रॉम बाबाशीश एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम। सो बाय बाय।